दोस्तों, क्रिकेट के खूबसूरत खेल में कभी कभी हम ऐसे मोमेंट भी देखते हैं जो इस खेल की खूबसूरती को खराब करने का काम करते हैं। इन मोमेंट्स को हम आम बोलचाल की भाषा में विवाद बोलते हैं। इन विवादों में टीमों के कप्तानों की काफी बड़ी भूमिका होती है, जिनकी वजह से क्रिकेट की साख के साथ साथ दर्शकों की भावनाओं को भी काफी चोट पहुँचती है। इन विवादों की वजह से कप्तानों को सजा के साथ साथ अपनी कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे ही विवादों के बारे में, जिनकी वजह से कप्तानों की बेइज्जती तो हुई, साथ ही उन्हें अपनी कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस रोमांचक वीडियो को। बस आपसे एक ही दरख्वास्त करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो नंबर 7 के संग टिम पेन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम क्रिकेट की उन चंद टीमों में से एक है जिसका नाम बेहतरीन खेल के साथ साथ क्रिकेट कांडों में भी कई बार सुनाई देता है। इस टीम के कई कप्तानों के नाम इन कांडों में शामिल रहे हैं, जिन्हें अपनी हरकतों की वजह से कप्तानी छोड़ने से लेकर बैन तक झेलने पड़े। ऐसी ऑस्ट्रेलिया टीम के एक और कप्तान को पिछले दिनों अपनी हरकतों की वजह से अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने पिछले महीने ही अपनी कप्तानी को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले दिनों उजागर एक सेक्सटिंग चैट में उनके मैसेजेस पब्लिक डोमेन में आ गए थे। इस चैट में वो तंजानिया के पूर्व क्रिकेट एम्प्लॉय के संग लिप्त थे। बताया जा रहा था कि वो उसे 2017 में पूरे टाइम डेट कर रहे थे। ऐसे कंट्रोवर्शियल मैसेजेस बाहर आने की वजह से पेन काफी शर्मिंदा हुए, साथ ही उन्होंने अपने परिवार और अपने फैंस से माफी भी मांगी। हालांकि कप्तानी छोड़ने को लेकर उन्होंने अपने अलग ही रीजंस दिए हैं, लेकिन इसके पीछे की मुख्य वजह उनके इसी कांड को बताया जा रहा है। नंबर 6, राशिद खान अफगानिस्तान। 200 T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानी टीम की कमान करामाती राशिद खान के हाथों में थी, लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदरूनी हालातों की वजह से उनके देश में डिस्टर्बेंस चालू हुआ तो वहां पर इस वजह से क्रिकेट भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। T20 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन में किसी की भी नहीं चली, यहां तक कि टीम के मौजूदा कप्तान से सलाह तक नहीं ली गई। टीम सिलेक्शन के बाद राशिद खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी कप्तानी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि टीम सेलेक्ट करते वक्त किसी ने उनसे सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा। बोर्ड और राशिद के बीच हुए इस कंट्रोवर्शियल विवाद की वजह से T20 वर्ल्ड कप के एंड वक्त पर टीम की कप्तानी छोड़ने की वजह से राशिद को काफी निंदा का सामना भी करना पड़ा। नंबर 5, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों साल 2008 में क्रिकेट की दुनिया के सबसे चर्चित बॉल टेम्परिंग विवाद में न केवल दो महान बल्लेबाजों को अपने करियर के दौरान शर्मिंदगी भरा बैन झेलना पड़ा, बल्कि उनमें से एक को तो अपनी कप्तानी से हाथ भी धोना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया कप्तान डेविड वार्नर और तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ पर आरोप थे कि उन्होंने चीटिंग करने के उद्देश्य से बॉल टेम्परिंग की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए इस मैच के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों पर बेईमानी करने का आरोप लगा था, जिससे इन दोनों महान खिलाड़ियों की दुनिया भर में बेइज्जती हुई। बाद में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी गलती भी मानी, लेकिन नियम अनुसार वार्नर और स्मिथ को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया। बैन के साथ ही साथ स्टीव को इस टैम्परिंग विवाद की वजह से अपनी कप्तानी भी छोड़नी पड़ी। ये विवाद क्रिकेटिंग विवादों के सबसे लाइमलाइट हुए विवादों में से एक है, जिसकी निंदा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने की थी। नंबर 4, राशिद लतीफ पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तानी टीम का नाम क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर विवादों से हमेशा घिरा रहता है। इस टीम के ज्यादातर कप्तानों को अपनी कप्तानी फिक्सिंग की वजह से गंवानी पड़ी, लेकिन इस टीम के सफलतम कप्तानों में से एक राशिद लतीफ को अपनी कप्तानी सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उन्होंने ICC को एक पत्र लिखकर पाकिस्तानी टीम द्वारा किए गए मैच फिक्सिंग आरोपों का खुलासा किया था। उनके द्वारा लिखे गए इस पत्र की वजह से उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB के गुस्से का सामना करना पड़ा था। PCB उनके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा नाखुश था। अपने बोर्ड से हुए इस विवाद की वजह से नाराज चल रहे राशिद ने इसी वजह से अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। कप्तानी गंवाने के पीछे उनकी बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने एक सही स्टैंड लिया था जो उन पर भारी पड़ गया। इससे पहले कि दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी जान कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आई नो यार आप जरूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 के संग सलमान बट पाकिस्तान। 200 पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज सलमान बट भी हमारी आज की इस लिस्ट का हिस्सा है। उनका इस लिस्ट में हिस्सा होने के पीछे का कारण है 2010 में लॉर्ड्स में खेला गया एक टेस्ट मैच, जहां पर पाकिस्तानी टीम के 3 प्रमुख खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाए गए। इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे। मैच ऑफिशियल्स के इस फिक्सिंग पर ध्यान तब गया जब आसिफ की बहुत ज्यादा ओवर स्पॉटिंग वाली नो बॉल सबकी नजर में आई।
ये मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब एक फिक्सिंग बुकी मजहर मजीद इंग्लैंड के एक न्यूज पोर्टल के अंडरकवर लोगों से पैसा लेकर फिक्सिंग में लिप्त इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की करतूत सामने लाया। बाद में इस बुकी के गिरफ्तार होने की वजह से सारे राज खुलना चालू हो गए। तब मोहम्मद आमिर को 5 साल और मोहम्मद आसिफ पर 10 साल का बैन लगा दिया गया। बाद में इस मामले में सलमान भट्ट को फिक्सिंग का दोषी पाया गया और उन्हें लंदन कोर्ट द्वारा 30 महीने की सजा भी सुनाई गई। इसी वजह से उन्हें अपनी कप्तानी से हाथ भी धोना पड़ा। हालांकि उन्हें 2015 में जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो कभी अपनी टीम में वापसी नहीं कर पाए। इन खिलाड़ियों की ऐसी करतूतों ने पाकिस्तान टीम का नाम काफी ज्यादा खराब किया। नंबर 2, शाकिब अल हसन, बांग्लादेश। 200 पूर्व बांग्लादेशी कप्तान और वर्तमान समय के विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार शाकिब अल हसन भी क्रिकेट में हुए इन विवादों का शिकार बन चुके हैं। उन्हें भी ऐसे एक विवाद की वजह से कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था। मामला ये था कि जब न्यूज में खबरें चलनी चालू हुई कि साल 2018 ट्राई नेशन सीरीज में एक बुकी ने शाकिब को फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया। इसके साथ ही साथ उस बुकी ने 2018 आईपीएल के सीजन के लिए उनसे संपर्क भी किया। हालांकि शाकिब ने फिक्सिंग के लिए मना कर दिया था, लेकिन बुकी से हुई इस संपर्क की सूचना उन्होंने अपने बोर्ड को नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनके इस एक्ट को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के नियम 2.4.4 का उल्लंघन माना गया, जिस वजह से उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इस वजह से उन्हें अपनी कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि उनका बैन 1 साल बाद हटा लिया गया था, लेकिन उन्हें कप्तानी वापस नहीं मिल पाई। नंबर 1, वसीम अकरम, पाकिस्तान। 200 स्विंग के जादूगर कहे जाने वाले दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में शुमार वसीम अकरम भी ऐसे ही विवादों की वजह से अपनी कप्तानी गंवा चुके हैं। 1994 से 1999 तक पाकिस्तानी टीम के कप्तान रहे वसीम अकरम पर उन्हीं की टीम के खिलाड़ी आमिर सोहेल ने उन पर आरोप लगाया था कि 1997 में शारजाह में खेले जा रहे एक ओडीआई टूर्नामेंट में वसीम ने उन्हें अंडर परफॉर्म करने के लिए 20,000 रुपए की पेशकश की थी। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगे थे कि 1996 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ वो जानबूझकर हारे थे। 1999 में भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम की हार पर फिक्सिंग कर सवाल उन्हीं की कप्तानी में उठे थे, जिसकी वजह से उन पर पाकिस्तानी जस्टिस कयूम कमेटी ने जांच की थी। इस जांच में उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी तो कर दिया गया, लेकिन उन पर हमेशा कप्तानी ना करने का बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो फिर कभी कप्तानी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।